हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आ गए। आज का जो रेसिपी है, कड़बूस का जूस बनाया है मैंने आज। मैं कैसा बनाया है आप लोगों को दिखाती हूँ। और मार्केट में कड़बूस बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ मैं गांव में है, गांव में एक खेत में से लेके आया है, एकदम नरम वाला लेके आया, तो पका हुआ, अच्छा सा पका हुआ लेके आया है। बिल्कुल छोटा है मगर बहुत अच्छा टेस्टी दिख रहा है। हम लोग एक खा चुके हैं और एक जूस बनाने के लिए मैं रख दिया है। और एकदम देखिए, काटते कट जा रहा है, इतना अच्छा नरम वाला हो गया है, क्योंकि झाड़ पे जो पकता है ना बहुत टेस्टी रहता है। ये देखिए एकदम नरम हो गया है। और उसका बीज भी निकाल देंगे हम, निकाल के धो के सुखा लिए, तो आजकल बीज तो बहुत खरीदार हो गया है, तो हम इसका बीज भी निकाल देते हैं। निकाल के उसको सूखने के लिए लगा देते हैं। थोड़े लोग बोल रहे हैं बीन्स के साथ अगर करें तो, मिक्सी करें तो कुछ नहीं होता है, मगर मेरे बच्चे नहीं पी सकते हैं, इसलिए मैं बीन्स निकाल दे रही हूँ। बीन्स निकाल दे के सेपरेट डाल देती हूँ। सेपरेट डाल दे के उसका जो पल्प है ना वो निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से अच्छा सा निकाल दिया है मैंने। देखिए कितना अच्छा रहता है, अपना खेत का जो रहता है ना बहुत अच्छा रहता है, तो टेस्टी टेस्टी बनेगा। बाहर से खरीदो तो भी रहता है, मगर बाहर से खरीदो से बहुत पहले उसको निकाल के लगा देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर, भी बहुत अच्छा कलर आ रहा है। और इसका पल्प पूरा निकाल देते हैं, निकाल दे के मिक्सी में डाल देते हैं। देखिए इस तरह से मैं पूरा पल्प निकाल दिया है। मिक्सी में डालते हुए तो उसका पल्प डाल देंगे खरबूज का, और थोड़ा सा आइस डालेंगे, और एक चम्मच उतना शुगर डालेंगे। शुगर यहाँ पे कम ले रहे हो, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो शुगर ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही चम्मच डाला है, अगर आप लोग चाहिए तो थोड़ा और दो चम्मच उतना डाल सकते हैं। अपना जैसा मिठास जैसा पीते हैं उसके मुताबिक बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ग्लास भर के दूध डाल रही हूँ। दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करना है, एक ही साथ डाले तो थोड़ा पिस्ता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको अच्छा सा पीस लिया। ठीक है, ये तो रेडी हो गया है। अब मैं काम करते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं, जो जूस का ग्लास मिल रहे हैं आजकल, अट्रैक्टिव जूस का ग्लासेस बहुत सारे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाया है, एकदम सिंपल तरीके से, जो खेत में से लिया सब खरबूज लाया था तो सिंपल तरीके से बना दिया है। देखिए जूस डाल दिया है, जूस डालने के बाद हम इसके ऊपर डाल देते हैं दो तीन आइस क्यूब्स, अगर आपको पसंद नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मलाई, जो दूध हम उबालने हैं उसके ऊपर निकला से मलाई डाल दे रही हूँ। और उसके बाद उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स अपना पसंद का डाल सकते हैं, किशमिश को छोड़कर। तो ये जूस कैसे लगा आप लोग बताइए मेरे को, तो बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी जूस लगा है। मैं पूरा फैमिली को दे चुकी हूँ, पूरा फैमिली लोग अच्छे से एंजॉय करके पिए। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।